नमस्कार, मैं गौरी और आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो वायरल अड्डा में, जहां हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी मजेदार वायरल वीडियोस जिन्हें देखकर आप हो जाते हैं हंसते हंसते लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं वायरल वीडियोस का ये सिलसिला और देखते हैं आज की पहली वायरल वीडियो को। भारतीय शादियों में जितनी अलग अलग परंपराएं हैं उतनी ही अजीबोगरीब नजारे भी देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसा ही वीडियो है ये। इस वायरल वीडियो में दूल्हे के गले में डली माला आपको भी चौंका देगी। पहली नजर में शायद यकीन ना हो, लेकिन गौर से देखिएगा क्योंकि पूरी माला नोटों से बनी है। इस शादी में घर का नजारा दिखाई दे रहा है, आसपास बहुत से लोग हैं और सारे ही लोग हैरान हैं क्योंकि घर के एक सिरे के छज्जे पर एक आदमी अपने हाथ में झालर जैसा कुछ पकड़े नजर आ रहा है जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक गया है। कैमरा पैन करता है तब पता चलता है कि ये झालर नहीं, दरअसल एक माला है जिसका एक सिरा दूल्हे के गले में डला है। और गौर से देखेंगे तो पता चलेगा ये पूरी लंबी सी माला 500 रुपए के नोट से बनी है। इतने सारे नोटों से बनी है, इतनी बड़ी माला देखकर यूजर्स हैरान हो रहे हैं। एक अनोखे प्यार कंडीशनिंग सेटअप का उपयोग करके गर्मी से बचने के लिए एक शख्स ने जुगाड़ का वीडियो वायरल करा है। वीडियो में शख्स का रेफ्रिजरेटर और कूलर ने उत्पन्न ठंडी हवा में शांति से सोते हुए देखा जा रहा है। वीडियो में शख्स अस्थाई कूलिंग सेटअप के सामने सोता हुआ दिख रहा है, जिसमें एक कूलर एक खुले रेफ्रिजरेटर में सामने रखा हुआ है और एक युवक आराम से लेटा हुआ है। बंदरों को इंसानों का पूर्वज कहा जाता है क्योंकि उनकी अधिकांश हरकतें इंसानों से हूबहू मिलती हैं। बंदर इंसानों की ना सिर्फ अच्छे से नकल उतारना जानते हैं बल्कि उनकी तरह सारे काम भी कर लेते हैं। ऐसा ही ये वायरल वीडियो हो रहा है। यहाँ एक बंदर और इंसान के बीच बातचीत होते हुए देखा जा सकती है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा रहा है कि बंदर और एक शख्स साथ में बैठे हुए हैं। शख्स अपने मोबाइल में व्यस्त है, तभी बंदर उसे हिलाता है और शख्स अपना कान उसके पास ले जाता है। फिर बंदर शख्स के कान में धीरे से कुछ कहता है, शख्स भी कान में बंदर को उसकी बात का जवाब देता है, फिर अपना मोबाइल उसे देता है और बंदर उसका मोबाइल चलाने लगता है। सोशल मीडिया पर वैसे तो हर रोज शादी के नए वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर किसी की भी हंसी नहीं रुक रही है। क्योंकि वीडियो में दिखाया गया है कि जैसे ही दूल्हा दुल्हन को वरमाला पहनाने चलता है, दुल्हन के साइड खड़े लोग उसे उठा लेते हैं। इसके बाद दूल्हा स्टेज पर रखी कुर्सी पर चढ़ता है और छलांग लगाकर दुल्हन को वरमाला पहनाने के लिए कूद जाता है और सफलतापूर्वक दुल्हन को माला पहना देता है। लेकिन दूल्हा दुल्हन और उसके गोद में उठाकर खड़े रिश्तेदार स्टेज पर पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, जिसको देखकर लोग काफी हंस रहे हैं और मजेदार कमेंट कर रहे हैं। वैसे तो इंटरनेट पर हर रोज जंगल सफारी के बहुत ही वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन इस वक्त जो वीडियो वायरल हुआ है उसे देखकर लोगों के मन में गुस्सा भर गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि टूरिस्ट से भरी कई सफारी जीप ने एक हाथी को चारों ओर से घेर लिया और लोग हाथी को देखकर खूब शोर मचा रहे हैं। अपने आसपास इतना शोर सुनकर और कई गाड़ियों को देखकर हाथी बौखला जाता है और सामने खड़ी एक गाड़ी को अपनी सूंड से धक्का मारकर हटाने लगता है। हालांकि इस दौरान हाथी ने किसी को चोट नहीं पहुंचाई और कुछ देर बाद खुद वहां से चला जाता है, लेकिन पर्यटकों और गाइड की ऐसी हरकतों को देख लोग काफी भड़क रहे हैं। भाई मैं तो रो देती हूँ। क्यों आ रहे हैं उसको वापस मोड़ो। इस वीडियो का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बताया जा रहा है। लोग कमेंट सेक्शन में जंगल सफारी पर रोक लगाने की अपील कर रहे हैं। वीडियो को अभी तक 29,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। खैर, आपको हमारी आज की वायरल वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।